हेलो। हाँ, इसको सॉल्व करो। ओके ठीक हो गया। वेट करो, प्रिंस ज्वाइन कर लिया, यस सर। ठीक सॉल्व करो। है सर। निमिषा तो दूसरा करो, मैं दे रहा हूं कुछ। ओके सर। और बायोलॉजी में तुमने खाली प्लांट से भेजा, एनिमिशा एनिमल से नहीं भेजा ना? नो सर। क्यों, मैंने दोनों कहा था ना।
और जो लेबलिंग किया है उसमें मैंने क्या कहा था कि सभी का एक एक लाइन लिखना है कि व्हाट इज इट डूइंग और व्हाट रोल इट इज प्लेइंग इन द सेल, वो क्या फंक्शन कर रहा है, उसका पर्पस क्या है। प्रिंस तुम भी, तुम लोगों ने पर्पस भेजा है, सबका कुछ लिखा है कि किसका क्या पर्पस है, सर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस क्या है, कुछ लिखा है ये सब। सर हम भूल गए। हाँ तो भूल जाओगे तो फिर मैं कितना याद रखूंगा। जब स्टूडेंट को चिंता नहीं है, मैंने बताया था ना क्लियर कि पहले लेबल करना है, फिर सबका एक एक पर्पस लिखना है कि वो क्या करता है, पहले खुद अपना दिमाग को पूरा खर्च करना है, उसके बाद मेरे से पूछना है। मैं केवल गाइड करने के लिए हूँ, अब रटना रटना वाला काम तो मैं नहीं कराऊंगा ना, लेकिन समझना तो है क्या क्या किस काम के लिए है वहां पर। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, एक तरह का फिल्टर है, वो छन्नी है, तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना क्या चीज कौन सा कर रहा है। तो मुझे फिर से लिख के वो सब शेयर करना जो बचा हुआ है, और हमेशा तुम एनिमल सेल भी भेजना। ओके सर, कल संडे भी है, कल आराम से कर सकते हो। तो तुम्हारा फर्स्ट का क्या आंसर आया निमिषा? फर्स्ट हाँ बताओ बताओ। सब फोर, मेरा भी सब फोर। प्रिंस का 4, निमिषा का भी 4। हाँ यस तब तक अगला करो। क्या हुआ, सेकंड नहीं हुआ किसी से अभी तक? हो गया था। सेकंड का क्या आंसर आया बताओ दोनों। हाफ मेरा 1/2 है सर, मतलब दोनों का ही हाफ वही आया। 1/2। हाँ हाँ ठीक है। यस और थर्ड का किया है?
यस सर सर, थर्ड अभी स्टार्ट कर। ओके। हाँ मेरा तो 1/4 आ रहा है। अच्छा, उसका एक्सपोनेंट 1/2 भी दिया है ना। ओके, 2 का पावर -2 दी पावर हाफ है। ठीक है, 2 का पावर -1। ठीक, थर्ड नहीं हुआ अभी। हो गया सर, कितना हो गया आया, सर, कितना सर आया बताओ। दोनों फोर, यस का ही 4। ठीक यस सर, है, फोर्थ। सर लास्ट वाला नहीं हो रहा, देखते हैं प्रिंस कर पाता है कि नहीं। तुम ट्राई कर रहे हो प्रिंस? यस सर। ओके, करो। प्रिंस होगा? नो सर, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर y = 25, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये 2y है ना। 1 मिनट, 10 to the power 2, और इसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ y लिख सकते हैं, = 25 है ना। ओके, 10 to the power 5, 10 to the power y, या सर फिर हम ट्वेंटी लिख फाइव सकते, को फिर 5 इसको, फिर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फाइव इसको, उससे कोई फायदा नहीं है ना। क्या ओके सर, क्या दोनों का बेस सेम कराना पड़ेगा। चलो मान लो इसको मैं 5 स्क्वायर लिख देता हूँ।
दिस इम्प्लाइज 10 को हम क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर ले सकते हैं ना, यस और देखिए यस 10 का पावर -y। ओके सेकेंड टू द पावर 2y इक्वल टू 25, 25 5 5 के 10 टू द पावर 2y डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 1, 5 का स्क्वायर और 5 इंटू 5 दिस इम्प्लाइज 10 टू द पावर 5 5 स्क्वायर 5 इंटू 2 टू द पावर 2y, यहाँ लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 5 टू द पावर 2y डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 2y डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 1y 1/2 5 5 5। And written as 5 into 5 power 5 equal to 10 to the power 2y. -3y चलो ठीक है, इसको लिख कर रखो, मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? ट्राई कर, इसमें कुछ इजी टेक्निक होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लिया ना नोटबुक में? यस ओके ठीक यस सर, है, इसको मुझे शेयर कर देना फिर। इससे हम हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से मतलब कैसे मतलब? कि होता है ना कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब हम 10 to the power -y डिवाइडेड बाय एक्स ले ले तो हाँ तो उसमें कुछ लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना, 10 to the power 2y = 25 आना चाहिए है ना पहले तो इसमें वाई का वैल्यू क्या आएगा? तो फ्रैक्शन वगैरह में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे हो नहीं रहा। 10 to the power कुछ भी लेंगे तो 25 नहीं आएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं आएगा, इसमें रैशनल नंबर टाइप डालना पड़ेगा। वाई इक्वल टू एग्जैक्टली तो हम नहीं निकाल सकते ना, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाएगा, बट इसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए एक्चुअली, है ना? जैसे 10 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 5 लिख सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा। 10 to the power y into 10 to the power y इक्वल टू 25, ये तो ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस y। सो 10 to the power y इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 10 का पावर y, ऐसे लिख सकते हैं, सर, और हम ये कर सकते हैं कि 10 ट्वेंटी को हम फाइव लोग टू इंटू द टेन पावर टू द 4 पावर से ठीक माइनस वाई तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 10 to the power -y इक्वल टू 10 to the power y डिवाइडेड बाय 25। दैट मीन्स 10 to the power y कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 25। 10 टू द पावर y 5 है ना,
देखो 5 × 5 ही 25 होगा ना, मीन्स 10 to the power y यस इज इक्वल टू 5 है ना, तो 10 to the power y की जगह 5 डाल दिया तो 5 by 25 यानी कि 1/5 है ना, समझ में आया स्टेप्स। चलो फिर से मुझे यहाँ क्वेश्चन पे बताना, वाई का वैल्यू 5 है। ठीक मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर से बताना क्वेश्चन मुझे है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अगले पेज में करते हैं। क्या था 10 to the power 2y ना इक्वल ट्वेंटी yes, फाइव इक्वल टू वी 25 हैव टू 25 फाइंड देन आउट 10 टेन टू टू द द पावर। पावर माइनस वाई है ना। तो पहले देखो हमें सर टेन टू द पावर है एक सॉल्यूशन हम आपको व्हाट्सएप पे भेजे सर, चेक कीजिए सही है। और इसका सॉल्यूशन, यस एक सर। मिनट चेक करने दो। तो 1/5 ही आया ना, 10 to the power यस y का सर। स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। हाँ ऐसे ही करना, ये भी ठीक है। यस 10 to the power -y इक्वल टू 5 का पावर -1। हाँ ये सही है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, या फिर देखो यहाँ हमें क्या लाना है, 10 का पावर y, तभी तो 10 का पावर -y निकालेंगे ना। तो 10 का पावर y कैसे आएगा, 10 का पावर y × 10 का पावर y ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तभी तो y+y 2y हो यस जाएगा। सर। इक्वल टू 25 यस सर। लिखो या फिर 5 × 5 लिखो है ना। तो यस इसका सर। मतलब क्या हुआ, ये जो है ये इसके बराबर हुआ ना, दोनों का ही स्क्वायर है ना। दैट मीन्स यस 10 to the power y इक्वल टू 5 या 10 का पावर -y इक्वल टू 5 to the power -1 विच इज इक्वल टू 1/5 है ना। सर। ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंस ने भी सही किया है। ठीक है तो ये सब क्वेश्चंस को याद रखना है ना, ठीक है यस क्लियर सर। करें। यस सर। ओके इफ जी इक्वल टू t² / 2/3 प्लस 4 t² - ½, फाइंड द वैल्यू, फाइंड जी व्हेन t = 64। इसको करो,
हो गया सर, कितना है तुम्हारा? 0। जीरो। प्रिंस का वेट करते हैं, तब तक रीचेक करो निमिषा। आ गया सर, कितना आया? 33। 33/2। बाई टू। मुझे तो यही सही लग रहा है। जी इक्वल टू टी कितना है? 64 टू दी पावर 2/3 प्लस 4 × 64 टू दी पावर माइनस हाफ इक्वल टू 4³ लिख सकते हैं इसको हम लोग। 2/3 है यस ना, प्लस 4 × 64 को क्या लिख सकते हैं? 8² माइनस हाफ, तभी तो ये दोनों कट जाएगा ना यहाँ पर और ये भी। तो क्या हो गया? 4² प्लस 4 × 8 to the power माइनस 1 इक्वल टू 4² कितना हो गया? 16 प्लस 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 LCM या 16½ हो गया एक तरह से, है ना? विच इज इक्वल यस टू 33/2, है ना? गुड निमिषा, तुम्हारा ये 0 कैसे आ गया? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, इसको लिखो जल्दी से। क्लियर करूं? नो no, यस इफ 2 to the power m plus n डिवाइडेड बाई 2 to the power n minus m इक्वल टू 16 कॉमा ऑल्सो 3 to the power p डिवाइडेड बाई 3 to the power n इक्वल टू 81 एंड a इक्वल टू 2 to the power 1/10। फाइंड a to the power 2m plus n माइनस p डिवाइडेड बाई a to the power m minus 2n प्लस 2p होल टू द पावर माइनस 1। इसको ट्राई करो।
क्या हुआ होगा? एनी होप? सर रुक के 2 मिनट। सर शायद से 2 आएगा। देखते हैं। टू टू दी पावर ओके, टू टू दी पावर एम प्लस एन माइनस एन प्लस एम, तो 2m = 16 और इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 4, यानी कि 2m = 4 यानी कि m = 2। m = 2 आया? है 3 to the power p - n = 3 का कितना हो जाएगा? 4। 4 मीन्स p - n = 4, ये निकाला था। तो सर ये हाँ सही है। p a to the power 3 n माइनस एन था इक्वल मतलब टू 6 प्लस p - n तो +4 = a to the power 10। a कितना है? 2 to the power 1/10, और बाहर 10 है, 10 10 कैंसल, = 2 to the power 1 = 2। हाँ बिल्कुल सही है, 2 आया ना तुम्हारा। प्रिंस तुम्हारा 2 ही आया था ना? यस सर। हाँ सही है। निमिषा तुम्हारा क्या हुआ, सो गई? सर मुझे समझ ही नहीं आया करना कैसे। क्यों, अभी हमने किया वो समझ में आया? यस सर। ये जो हमें लिया है फाइंड, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह ए ही है तो पता है ना डिवाइड का फॉर्मूला, बाकी नीचे जो है वो सारा ऊपर आएगा तो उसका अपोजिट हो जाता है, तो m - 1 साइन चेंज माइनस एम हो होगा, गया। ऊपर आके प्लस एम हो जाएगा, तो मतलब जो है वही रहेगा ऊपर आके भी, है ना, क्योंकि यहाँ -1 एक्सपोनेंट है। तो ये वाला आ गया, इसके बाद ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिखिए करके सर इसको ने। करो, लिख लिया है ना? तो ये सब क्वेश्चंस करो, एक्सपोनेंट्स वाले यस जितने क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, सारा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग क्लास में, तो मेरी तरफ से आज एक्सपोनेंट्स का खत्म, कल रैशनलाइजेशन पे फिर करेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी का तब तक मुझे भेजना, ठीक है। ओके सर। ओके, आज के लिए इतना ही, ओके बाय सर। बाय बाय। बाय।